हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। रिया चक्रवर्ती के सिक्योरिटी गार्ड ने खोला बड़ा राज। कहा, पिछले एक महीने से ये दोनों कहां थे मुझे पता है। जी हां, चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। सुशांत सिंह राजपूत के पापा केके सिंह ने जब बिहार पुलिस को अपनी अर्जी दी, तब से अदाकारा रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में है। सुशांत की मृत्यु 14 जून के दिन हुई थी और इसे एक आत्महत्या बताया गया था, लेकिन केके सिंह ने अपनी एफआईआर में इस बात का शक जताया है कि उनके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर रुपए की गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। केके सिंह की शिकायत के बाद रिया फरार हो गई थी और ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए पहुंची थी। रिया इन दिनों कहां रह रही है, इस बारे में किसी को जानकारी नहीं है। सीबीआई सुशांत मृत्यु मामले की जांच में जुटी है और इसी बीच रिया की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने बड़ा खुलासा किया है। रिया के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया है कि पिछले एक महीने से उसने एक्ट्रेस रिया को नहीं देखा है। मनोज चौधरी नाम का सिक्योरिटी गार्ड पिछले 1.5 साल से रिया की बिल्डिंग की रखवाली कर रहा है। उसने बताया है कि रिया पहले घर के आसपास ही नजर आ जाती थी, लेकिन पिछले एक महीने से उसने रिया को कहीं पर भी नहीं देखा। मनोज ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, पहले तो मैं उन्हें दिन में कई बार देख लेता था, वो घर से बाहर और अंदर आती जाती रहती थी, लेकिन पिछले एक महीने से ना तो उनकी कार ही नजर आई है और ना ही वो दिखी है। आपको बता दें कि सुशांत मृत्यु मामले की जांच अब सीबीआई के पास है, जो लगातार लोगों से पूछताछ कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। फैंस को भी यही उम्मीद है कि सीबीआई इस पूरे मामले में सच को सामने लाकर रख देगी। इस वीडियो में इतना ही।